2024 में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर किसान आंदोलन समेत कई तरह की घटनाओं के इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर किया गया। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इनमें से कई दावे झूठे भी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ दावों की असलियत संक्षिप्त में बताएंगे। बांग्लादेश में एक मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदू परिवार की हत्या करने का दावा इन कुछ तस्वीरों के साथ काफी शेयर किया गया। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सांप्रदायिक दावे के साथ ये तस्वीरें खूब शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये हत्याएं आपसी विवाद के चलते की गई थी। दरअसल अपराधी राजीव भौमिक ने अपने चाचा विकास चंद्र साहा से पैसे उधार लिए थे। ये रकम लौटाने की मांग करने पर राजीव ने अपने चाचा और उनके परिवार की हत्या कर दी थी। इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो भाजपा और उसके प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस द्वारा पहले से ही हार स्वीकार कर लेने के दावे के साथ शेयर किया। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, तुम चुन के आओ सर। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। ऑल्ट न्यूज ने खड़गे की स्पीच का पूरा हिस्सा सुना और पाया कि वायरल दावा सिर्फ और सिर्फ अधूरी क्लिप के आधार पर शेयर किया गया है। उनका पूरा भाषण सुनने पर साफ हो जाता है कि वो भाजपा पर तंज कस रहे थे। देखो मेरी बहन की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे पान भाई। आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। 100 भी, इंडिया स्ट्रांग है। कर्नाटक में SSLC एग्जाम के इस टाइम टेबल की तस्वीरें शेयर कर ये दावा चलाया गया कि वहां की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को मुस्लिम बच्चों को नमाज अदा करने की सुविधा देने के लिए एग्जाम का टाइम दोपहर का रखा। यही दावा भाजपा कर्नाटक ने भी शेयर किया था। ऑल्ट न्यूज ने मामले में तहकीकात की और पाया कि 1 मार्च यानी शुक्रवार को प्री यूनिवर्सिटी की एग्जाम और SSC की एग्जाम एक ही दिन होने के कारण SSLC की परीक्षा दोपहर को रखी थी और सुबह में PUC का टेस्ट था। ये बात कर्नाटक कांग्रेस ने भी ट्वीट करके साफ की थी। वहीं ग्लोबल टाइम्स के कथित ट्वीट का ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा जाने लगा कि भारत के कब्जे वाले अरुणाचल प्रदेश के बजाय मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने राहुल गांधी का धन्यवाद किया। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये स्क्रीनशॉट फर्जी है और ग्लोबल टाइम्स द्वारा ऐसा कोई ट्वीट किए जाने के बारे में भी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर किए गए कई दावों में से एक ये वीडियो भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए शेयर किया गया। कितने हुए बताओ? 50, 15, कितना हुआ? 73, 73। हमारी छानबीन में सामने आया कि वायरल वीडियो क्लिप किया गया है और इसमें से 8 अंक हटा दिया गया था। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8, कितना हुआ? 73। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने ये तस्वीर ट्वीट कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का बॉडी डबल यूज किए जाने की आशंका व्यक्त की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर दिया। ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि कथित व्यक्ति मध्य प्रदेश के राकेश कुशवाहा है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल है। वो राहुल गांधी के पहले के भारत जोड़ो यात्रा लुक में दिखते हैं। वहीं राहुल गांधी हाल में चल रही यात्रा में अपने पुराने लुक में दिखते हैं। साथ ही राहुल गांधी की बस और वायरल तस्वीर में दिख रही बस अलग अलग है। वायरल तस्वीर में दिखने वाली बस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए है।
13 फरवरी से शुरू किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि अब पंजाब की जनता भी किसानों से तंग आ गई है। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये महिला पटियाला में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के आंदोलन से गुस्से में थी। वहीं वायरल वीडियो का हाल के किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का ये वीडियो भी कई मीडिया आउटलेट्स और राइट विंग अकाउंट्स ने शेयर किया है और कहा कि किसानों का प्रदर्शन मोदी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है। ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश में पाया कि जिस वीडियो के आधार पर मीडिया ये दावा कर रही है वो असल में एडिटेड वीडियो है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोगों नूं इह कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़िया, दिन साडे कोले थोड़े है, की असीं इहने थोड़े दिनां दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर लांगे। असीं इह सोच के चले हां कि मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके उपर चढ़ गया, मोदी मोदी हो गई, खास करके एक खास तबके एक तबके च। हुण मोदी जिन्ना चिर इहदा ग्राफ देखो, कोई भी पोलीटिकल धिर उदों मंग मंदी हुंदी है जदों उहनूं पता लगे कि मेरा इह ग्राफ डिग रिहा, पोलीटिकली नुकसान हुंदा है। जिन्ना इहदा पोलीटिकल नुकसान नहीं हुंदा उन्ना चिर उह मंग नूं कोई मतलब तवज्जो नहीं दिंदी। हुण साडा इह सीगा वी ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबुधाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया था और इसी के साथ ये दावा चलाया गया कि ये अबुधाबी का पहला मंदिर है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी यही दावा किया तो वहीं मीडिया आउटलेट्स भी इससे पीछे न रहते हुए यही दावा आर्टिकल्स में शेयर करने लगे, जैसे DD न्यूज, PTI, हिंदुस्तान टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, मिंट, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया। जबकि ये दावा पूरी तरह से गलत है, UAE में स्थित श्री कृष्ण हवेली टेम्पल वहां का पहला मंदिर है। साथ ही इस महीने ऑल्ट न्यूज ने ट्विटर हैंडल स्क्विंट नियॉन के बारे में जांच की और पाया कि कैसे ये अकाउंट उन हिंदू महिलाओं को टारगेट करता है जो मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशन में है और इसके लिए उनकी तस्वीरों और पर्सनल डिटेल्स भी यूज करता है। ऑल्ट न्यूज ने इस स्टोरी के लिए कई ऐसी पीड़िताओं से भी बात की है। साथ ही हमने पाया कि ये अकाउंट एक्स की गाइडलाइन को भी बाईपास करते हुए इस तरह का टारगेटेड कंटेंट शेयर करता है।